अच्छा, अब फ्यूचर रिटेल ये वो स्टॉक है जिस पर हाल ही में बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हुए हैं। फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स तो अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं, कल भी हमने सेकंड हाफ में देखा बेहतरीन तेजी देखने को मिली। किरण, इसके चार्ट देखकर बताइए अगला इंपॉर्टेंट लेवल इस शेयर के लिए कौन सा है? इसके चार्ट पे तो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रहा है, तो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी इन लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके जो कुछ अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये डीमार्ट का आईपीओ चलते जो कुछ मूव आएगा उसको एक एनकैश करने की कोशिश करना चाहिए। अभी के लिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 268 का रहेगा, 275 के वे ट्रेड कर रहा है। शायद ये 290 तक जाने की उम्मीद है। एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट देखते तो उसका प्राइस पैटर्न के टारगेट करीबन 290, 288, 290 के दिखाई दे रहे, तो उन लेवल्स पे एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ओके,